वो अकेला ही फौज के बराबर है। टाइगर हार जाएगा इस बार विलेन के सामने। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको हमारी पिछली टाइगर 3 की वीडियो में बताया था कि इमरान हाशमी मूवी में अपने रोल को लेकर काफी चुप्पी बनाए हुए हैं। ऐसे में मूवी में वो तो है, ये हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन मेकर्स और इमरान इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? चलिए इस पर से अब पर्दा उठाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, टाइगर 3 में इस बार एक नहीं बल्कि दो विलेन होने जा रहे हैं, जो कि इस मूवी को और भी दिलचस्प बना देगा। एक तो हमारे चुम्बेश्वरी गुरु इमरान हाशमी और दूसरे एबीसीडी 2 में अपने एक्टिंग का हुनर दिखाने के बाद अब टाइगर 3 में अपने विलेन किरदार से धमाल मचाने वाले नौफल आजमीर खान। तो दरअसल टाइगर 3 में होने वाले हैं नौफल आजमीर खान विलेन, जो आपको फ्रंट फुट पर खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। और हमारे मेन विलेन जामल फतेह मीर यानी इमरान हाशमी लेंगे क्लाइमेक्स में एंट्री। और ये एंट्री कितनी महंगी होने वाली है, ये तो हम आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुके हैं। अब इतने पैसे खर्च करने के बाद डायरेक्टर इनको ऐसी थोड़ी डाले देंगे, अब क्लाइमेक्स में एंट्री और वही दी है, ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे आप सब। लेकिन नहीं, क्लाइमेक्स में जहां मेन विलन यानी इमरान हाशमी के चेहरे से पर्दा उठेगा, वहीं इसके साथ शुरू होगा टाइगर की एक और फ्रेंचाइजी की कहानी, यानी कि टाइगर 4 की। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 मेनी जोया यानी कि कैटरीना कैफ की कहानी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देने वाली है। ऐसे में आदित्य चोपड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर यश राज फिल्म्स मिलकर एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी बनाने का प्लान कर रहे हैं, और इसी को अंजाम देने के लिए टाइगर 3 के बाद टाइगर 4, जिसमें एक्शन फ्रेंचाइजी के मेकर्स मिलकर अपने अब तक की एक्शन से भरी स्पाई फिल्मों के मेन किरदारों को एक साथ टाइगर 4 में लाने का सोच रहे हैं, जिसमें गौर के ऋतिक रोशन, पठान के शाहरुख खान, टाइगर फ्रेंचाइजी के महारथी टाइगर श्रॉफ एक साथ नजर आएंगे। और इन सब के सामने अकेला खड़ा होगा दमदार विलेन पाकिस्तान का ISI एजेंट जमाल फतेह मीर उर्फ लायर, जिसका एक इशारा मेकर्स पहले ही दे चुके हैं पठान के क्लाइमेक्स की खबर देकर, क्योंकि पठान का क्लाइमेक्स सीन ही होने वाला है टाइगर 3 की शुरुआत। तो ऐसे में इस बार टाइगर की नजरों से हमारा मेन विलेन तो बच के निकल जाएगा, बस देखना है कि आखिर इस पर ऑफिशियली कब पर्दा हटाएंगे मेकर्स। तो आप इसी के साथ मैं आपकी होस्ट ले रही हूँ आपसे अलविदा, तब तक आप जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ कमेंट में जरूर बताएं कि आप इमरान का लुक देखने के लिए कितने बेताब हैं।